लोगों कैसे हो, वेलकम बैक टू अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम बुरा भाई। सो गाइस, आज की ये वाली वीडियो ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है सभी मोंटाज एडिटर्स के लिए, क्योंकि गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप इतना अमेजिंग सा कैरेक्टर ग्लो कर सकते हैं वो भी अपने मोंटाजेस में, वो भी सिर्फ काइंड मास्टर एंड अलाइट मोशन की मदद से। दोनों एप्लीकेशन की आपने ज़रूरत पड़ने वाली है, डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर देना, एंड गाइस सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि गाइस जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में घंटा बज जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला अमेजिंग सा वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे बात कर लेते हैं इफेक्ट कैसे डाउनलोड करना है। एसएस स्टोर्स पे जाना है, एफएक्स पे जाना है आप लोगों ने। देख सकते हो गाइस, एफएक्स का ऑप्शन आपने यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली गाइस एफएक्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो सिंपली गाइस हमें जाना है कलर्स पे। कलर्स पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेज का, एंड इस इफेक्ट को कर लेना इजीली डाउनलोड। सो इंस्टॉल्ड है मेरा ऑलरेडी। जिनके में ये शो नहीं हो रहा वो वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके कर लेना डाउनलोड। तो चलते हैं बढ़िए आगे ट्यूटोरियल की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना एंड जो भी आपकी वीडियो के लिए पे ऐड कर लेना, लेयर पे जाके एफएक्स पे क्लिक करना है। एंड ये देख सकते हो गाइस, ब्लेज इफेक्ट हमें यहाँ पे ऐड करना है। एंड फिलहाल के लिए इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा कर देना। एंड शेप में जाना, इसे सर्कल की शेप दे देनी है। एंड फेदर कर देना 50% पूरा। एंड इसे हमें कैरेक्टर के ऊपर रख लेना है, क्योंकि हम कैरेक्टर ग्लो पर वर्क कर रहे हैं। देख सकते हो गाइस, ईजिली हमने कैरेक्टर के ऊपर रख लिया। एंड नाउ सेटिंग्स पे जाना है, नंबर ऑफ रेज को सबसे पहले आपने इसे एक्सटेंड कर देना फुल। सेटिंग्स पे जाना है, इसकी नंबर ऑफ रेज को आपने कर देना है 1। एंड गाइस इसका जो अमाउंट है, ठीक है गाइस, इतना ही रहन देना। एंड जो इसकी लाइन स्ट्रेंथ है इसे भी 35 रहन देना। मोड को रखना 2। एंड जो इसकी स्पीड कलर, मैं यहाँ थोड़ी स्पीड कलर यहाँ बढ़ा देता हूँ, करीब 19 से 20 के अराउंड, यहाँ 20 कर देता हूँ। ओके गाइस, एंगल भी ठीक है, स्पीड एंगल भी ओके। नाउ ट्रिल को मैं कर दूंगा 1% यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, 1 कर दूंगा। एंड इसके जो ब्लर अमाउंट है वो कर दूंगा बिल्कुल 100%। एंड गाइस मेन बात आती है यहाँ पे ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस आपने उतनी रखनी है जितनी ज़्यादा आपने ग्लो चाहिए उतनी ज़्यादा रखना, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं 5 रख रहा हूँ या 4 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 4 एकदम मेरे को परफेक्ट लग रही है अपने कैरेक्टर के लिए। सो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अगर आप प्ले करोगे तो थोड़ा सा लैग ही आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन गाइस आउटपुट एकदम बढ़िया निकल कर आएगा इसका। सो गाइस, फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक ब्लैक बार सिनेमेटिक्स बार की इमेज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड गाइस। ओके नाउ लास्ट तक इसे एक्सटेंड कर दूंगा स्प्लिट स्क्रीन पे करके फुल, ठीक है गाइस। नाउ अब अपनी वीडियो को कर लो एक्सपोर्ट। नाउ सिंपली एक्सपोर्ट हो जाने के बाद अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करनी है। एंड गाइस आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। एंड जो अभी हमने वीडियो एक्सपोर्ट करी है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ओके सो देख सकते हो गाइस, हमारी वीडियो हो गई है ऐड। नाउ सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, नाउ प्लस वाले आइकन पे टैप करना है जो नीचे आ रहा है आइकन। नाउ एक सर्कल की इमेज ले लेनी है यहाँ से एलिमेंट्स, ठीक है गाइस। एंड इसे थोड़ा सा बड़ा करके हमें कैरेक्टर के ऊपर रख देना है बस, क्योंकि हमें अपना कैरेक्टर फिलहाल के लिए डिसेबल कर देना है, मतलब दिखना नहीं चाहिए, ठीक है गाइस। एंड इसे वहाँ तक रख देना जहाँ हमारा कैरेक्टर है। सो देख सकते हो गाइस, एक सेकेंड, यहाँ तक हमारा कैरेक्टर है। ओके मैं इसके राइट का पोर्शन डिलीट कर देता हूँ। नाउ उसकी ब्लेंडिंग पे जाना है आपने। एंड सबसे नीचे आता है एक मास्क वाला ऑप्शन, एंड इसे फर्स्ट वाले को यूज़ कर लेना है। यहाँ पे अभी हमारा कैरेक्टर विजिबल है, ठीक है गाइस। नाउ दोनों को यहाँ पे होल्ड करके रखना लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है गाइस। दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर से एक ग्रुप ए कर देना है, ग्रुप 1 बना देना है दोनों को। सो ये एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। नाउ अगेन से हमें वीडियो ऐड कर लेनी है वही वाली। सो देख सकते हो गाइस, हमने वीडियो ऐड कर ली। नाउ क्या करना है, वीडियो लेयर को हमें नीचे ग्रुप वाली लेयर के नीचे कर देना है। ओके सो ओके हो गया। नाउ गाइस थोड़े से अपने हमें एडजस्टमेंट करने या फिर इफेक्ट ऐड करने, क्योंकि नीचे वाली लेयर पे ऐड इफेक्ट पे जाना है आप लोगों ने। सबसे पहले ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे जाना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स ऐड करनी है। एंड इसकी जो ब्राइटनेस है उसे आपने -7 करीब कर देना है। एक सेकेंड गाइस, प्लस क्यों हो रहा है, माइनस करनी है, वेट एक सेकेंड गाइस। सो यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पे -7 के अराउंड कर दूंगा। एंड जो उसकी कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो आपने बढ़ा देनी है अराउंड 20 से लेके 20 तक ही कर देना, ठीक है गाइस। ओके हो गया। नाउ अगला इफेक्ट हमें ऐड करना है यहाँ पे। नाउ कलर लाइन पे अगेन जाऊंगा मैं।
ना गाइस, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोजर एंड गामा ऐड करना है स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ, एंड जो इसकी इस एक्सपोजर अमाउंट है वो आपने माइनस में कर देना है -0.12, एंड जो इसका गामा है ये भी आप लोगों ने माइनस इंक्रीज कर देना है। ओके 1.210 कर देता हूँ। ओके ना ऑफसेट को माइनस कर देना है -0.07, एक सेकेंड गाइस, हाँ -0.07 कर देना है ऑफसेट को। ठीक है गाइस, इतना हो जाने के बाद गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है, एक इफेक्ट और ऐड करना है हाईलाइट एंड शेडोज, एंड जो इसका हाईलाइट अमाउंट है ठीक है गाइस इसे 200% कर देना है, एंड जो शेडोज है इसे हमने करना है 62%, एक सेकेंड गाइस 62% करना है गाइस आप लोगों ने। ठीक है गाइस, एकदम बढ़िया इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी अभी थोड़ी सी लाइंस दिख रही हैं कैरेक्टर के पास सर्कल वाली, उसे आपने कैसे फिक्स करना है, इफेक्ट पर जाना है, ग्रुप की ग्रुप वाली लेयर पर टैप करना है आप लोगों ने, एंड इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है, एंड नीचे एक ऑप्शन आएगा ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी। ठीक है गाइस, इसमें फैदर ऐड करना है, फैदर ऐड, अरे यार एक सेकेंड गाइस फ्लिकर ऐड हो गया, एक सेकेंड गाइस मैं डिलीट करके दोबारा से ऐड करता हूँ, एक सेकेंड गाइस, ऐड इफेक्ट पे जाना है आप लोगों ने, नीचे आना है ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी, फैदर इफेक्ट आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, स्टैंडर्ड सेटिंग ऐड करनी है, एंड जो उसकी इटरेशन है जो भी है इसे कह लो इसे 5 कर देना फुल, एंड जो उसका स्ट्रेंथ है इसे आपने 500 कर देना गाइस। ठीक है गाइस, मैं पहले थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा दोबारा ज़्यादा कर दूंगा, फिलहाल तो मैंने इतनी कर दी है क्योंकि अभी हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, मैं थोड़ी सी और ऐड कर देता हूँ गाइस, मैं यहाँ इसे 500 कर देता हूँ, मेक श्योर गाइस आप भी 500 कर देना क्योंकि बढ़िया इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा अपन लोगों को। नाउ गाइस, अब एक लास्ट इफेक्ट रह गया है, मतलब कॉपी लेयर करके, नाउ जो हमारी नीचे वाली लेयर है, एक सेकेंड, अरे बाद में करेंगे भाई, नाउ जो हमारी नीचे वाली लेयर है उसकी एक हमें डुप्लीकेट लेयर कर देनी है, एंड जो बीच में लेयर आ गई है इसमें से सारे इफेक्ट रिमूव कर देना है फिलहाल के लिए। नाउ इसमें ऐड इफेक्ट पे जाना है, कलर लाइन पे जाना है, कलर एंड लाइट। ठीक है गाइस, एक्सपोजर को कर देना है यहाँ पे फुल। ठीक है गाइस, यहाँ पे गामा को माइनस कर देना है अराउंड 2.0.210 इतने के आसपास ही करना, या 30 कर देना, 35 जो भी है, हाँ इतना कर देना, डन हो गया। ऐड इफेक्ट पे जाना है अगेन से। नाउ गोशन पर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ऊपर ही आ रहा देख सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे गोशन ब्लर मैं ऐड कर देता हूँ। नाउ गोशन ब्लर का अमाउंट आपने इतना कर देना है जितना मैं रख रहा हूँ। ठीक है गाइस, ज़्यादा मत रखना, ज़्यादा मत कर देना, नहीं तो पूरी ब्लरी हो जाएगी ऐसी तैसी। नाउ इसे ब्लेंडिंग पे जाके, कॉन्ट्रास्ट पे जाके आपने इसे सॉफ्ट ओवरले कर देना है, एंड गाइस आपका मोन्टाज का ये कैरेक्टर ग्लो रेडी हो चुका है विद कलर ग्रेड। नाउ देख सकते हो कितना बढ़िया कैरेक्टर ग्लो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो भी इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है गाइस, नाउ इसे एक ग्रुप कर लो तीनों को, एंड कन्वर्ट कर देना एक ग्रुप में, एंड लास्ट इफेक्ट ऐड कर दो, इसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ानी है बस थोड़ी सी हमें, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है गाइस, नाउ इसकी थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ा दो क्योंकि जो इसका थोड़ा डार्क पार्ट है वो हमें थोड़ा और डार्क हो जाए इसीलिए। ठीक है गाइस, नाउ अब आप आराम से प्ले करके देख लो अपनी वीडियो को। ठीक है गाइस, लेकिन गाइस अलाइट मोशन में थोड़ी लैग होती है, पता ही है आप लोगों को, काइन मास्टर में भी होती है, अलाइट मोशन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेंडर नहीं हो रही, मैं आपको ऐसी ही प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया कैरेक्टर ग्लो यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। नाउ गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो, जितने भी आपको क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट कर लेना अपनी वीडियो को। सो एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, या एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लो। सो गाइस यार उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आज के ये वाला ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइस अगर अच्छे लगी है ये वाली वीडियो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं अगली वाली वीडियो में बहुत जल्द किसी नए ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा यूज़र नेम है IAMBHURA, मैं वहाँ पे सबका रिप्लाई करता हूँ गाइस सबका। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।